शिक्षित व्यक्ति बीमारी होने के कारणों से भी लड़ता है। एक उज्जवल भविष्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है प्रॉपर करियर गाइडेंस। तो मैं अपने स्वप्न में ये देखती हूँ कि जो महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये महात्मा गांधी जी ने कहा है कि बच्चों को 12वीं पास करते करते इतना स्किल्ड बना दिया जाए ताकि उन्हें आगे चल के बेरोजगारी की सामना ना करना पड़े। तो मैं भविष्य में मान्यवर आपसे ये कामना करती हूँ कि बच्चों को माध्यमिक स्तर से ही उन्हें प्रॉपर करियर गाइडेंस दी जाए तथा उन्हें माध्यमिक स्तर से ही प्रॉपर उनके पर्सनल स्किल डेवलपमेंट के लिए स्पेशल क्लासेस दी जाए, जिससे कि उन्हें आगे चल के किसी भी प्रकार की बेरोजगारी का सामना ना करना पड़े। अब मैं बात करूंगी आर्थिक रूप से, तो मैं इन्हें मान्यवर के कुछ योजनाओं के द्वारा बताना चाहूंगी। जैसे कि हमारे कका द्वारा सीमार्ट योजना चलाया गया है, जिसमें ग्रामीण उत्पादनों को शहर से जोड़ा जा रहा है, तो भविष्य में ये न केवल शहर से ही जुड़े बल्कि गवर्नमेंट इसे ई कॉमर्स द्वारा नेशनल तथा वर्ल्ड वाइड में कनेक्ट करे, जिससे न केवल छत्तीसगढ़ को आर्थिक रूप से सहायता मिले बल्कि छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, यहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, वो विश्व लेवल में अपना एक पहचान बनाए। हम सभी जानते हैं हमारे मान्यवर ने गोठान न्याय योजना बनाया है, जिसमें ये पशुपालकों से गोबर खरीदा जाता है तथा उससे खाद बनाया जाता है। तो उससे न केवल खाद ही बनाया जाए बल्कि आगे बायोगैस प्लांट बनाया जाए, जिससे मोर इको फ्रेंडली तरीके से इलेक्ट्रिसिटी तथा हीट का प्रोडक्शन हो। धान समर्थन मूल्य की योजना के बारे में हम जान रहे हैं कि हमारे कका ने उसमें 500 रुपए की और बढ़ोतरी की है, जिससे हमारे किसान भाइयों में बहुत ज्यादा हर्ष तथा उमंग छा गया है। उन्हें आर्थिक रूप से जो सपोर्ट मिल रहा है तथा उनकी क्रय शक्ति भी बढ़ गई है। और मैं सर बात करूंगी हमारे अंबिकापुर की, तो अंबिकापुर से हम सभी जानते हैं कि जितने महानगर हैं, जैसे कि वाराणसी, रायपुर, रांची, पटना, ये एक सीमित दूरी पे हैं। तो सर यहाँ से जो गुड्स के ट्रांसपोर्ट होते हैं, अंबिकापुर को ऐसा कार्गो हब सिटी बनाया जाए, जिससे कि यहाँ से जो गुड्स का ट्रांसपोर्ट है वो बढ़े और हमारे यहाँ पैसे जो ज्यादा खर्चे हो रहे हैं, पैसे की इससे बचत होगी, समय की बचत होगी तथा यहाँ का जो व्यापार